फिरोजाबाद में जिला स्तरीय प्रतिभा सम्मान समारोह एवं कैरियर गाइडेंस कार्यक्रम फिरोजाबाद स्थित शिव पार्वती मैरिज होम में किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि श्री अमरपाल सिंह लोधी, IRS निजी सचिव केंद्रीय जल शक्ति मंत्री, मुख्य अतिथि माननीय अमरपाल सिंह लोधी जी ने अपने समाज में शिक्षा को लेकर जोर दिया। पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने लक्ष्य जो जिला इकाई की बैठक है उसको आपने कवर किया। लक्ष्य बेसिकली एक शैक्षिक संगठन है जिसके माध्यम से हम ग्रामीण क्षेत्रों में जो प्रतिभाएं हैं उनका शिक्षा में सहयोग करते हैं। शैक्षिक सेमिनार के माध्यम से हम कैरियर गाइडेंस के कार्यक्रम आयोजित करते हैं। उसके अलावा जो बच्चे पढ़ने में अच्छे हैं, जिनके पास संसाधन नहीं है, उनका हम सहयोग करते हैं। आज की जो बैठक यहाँ रखी गई है, इस बैठक का उद्देश्य हमारी जो अभी नवगठित कार्यकारिणी है लक्ष्य फिरोजाबाद की, उसके सभी पदाधिकारियों का सम्मान समारोह था, और जिसमें अलग अलग ब्लॉक से लक्ष्य के पदाधिकारी स्वयंसेवक यहाँ आए, उनको सम्मानित किया गया है। साथ ही साथ आने वाले समय में लक्ष्य की क्या भूमिका होगी, क्या कार्य योजना होगी, उस पर यह चर्चा हुई है। हम अपने इस लक्ष्य जिला इकाई फिरोजाबाद के माध्यम से जितने भी हमारे ग्रामीण क्षेत्र हैं उन सब में हम चाहेंगे कि हमारे लोग जाएं, समाज को शिक्षा के प्रति जागरूक करें, बच्चों के लिए लाइब्रेरीज ओपन करें, निःशुल्क कोचिंग सेंटर चलाएं, और संभव हो सके तो शिक्षा के लिए बड़े बड़े सेमिनार करें। देखिए, अगर जैसे हमारा समाज पिछड़ा समाज माना जाता है, तो पिछड़ा समाज का मतलब है कि हम पिछड़े हैं, उसका कोई ना कोई आधार है। हम शिक्षा में पिछड़े हैं, हम राजनीति में पिछड़े हैं, हम अर्थव्यवस्था यानी बिजनेस में भी पिछड़े हैं, जो मीडिया है उसमें भी हम पिछड़े हैं, न्यायपालिका है वहाँ भी हमारी संख्या नहीं है। तो देश के जितने भी अंग हैं, न्यायपालिका, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, मीडिया, व्यापार, उद्योग, नौकरी, सब में हमारी संख्या कम है, हम पिछड़े हैं। इसका मतलब है शिक्षा में हम बहुत पीछे हैं। और जो 6 बिंदु मैंने यहाँ रखे वो ये थे कि ये पिछड़ेपन के मूल कारण हैं। उसमें हमारा युवा, शराब, सट्टा, अंधविश्वास, पाखंड, कर्मकांड, ये 6 बिंदु हैं। और उसके अलावा एक जो बड़ा बिंदु है वो आपस में जो लड़ाई झगड़े होते हैं। तो मैं समाज के लोगों से आपके इस चैनल के माध्यम से विशेष प्रार्थना करूंगा कि इन 7 बिंदुओं को समाज से हटाएं, समाज में जुआ सट्टा रोकें, शराब का सेवन रोकें, समाज में अंधविश्वास, कर्मकांड, पाखंडों को रोकें, खास करके जो हमारी महिलाएं हैं समाज की, अब जो बच्चियां हैं उनको पाखंडी कार्यक्रमों में जाने से रोकें, पाखंडियों को किसी प्रकार का आर्थिक सहयोग न करें, अपने बच्चों को पढ़ाएं, उनके स्वास्थ्य, उनके खाने पीने पर सहयोग करें। और एक विशेष अपील जो मैं पूरे देश के समाज से करता हूँ कि भाई आपस में लड़ाई झगड़े बंद करो। आपके लड़ाई झगड़ों का कोई भी लाभ आपको नहीं मिलता है, उसका खामियाजा पीढ़ियां भुगतती हैं, और उससे हमारा समाज कमजोर होता है, हमारे धन की बर्बादी होती है, हमारा भाईचारा कमजोर होता है, हमारा प्रेम और अपनत्व कम होता है। तो इन 7 चीजों को हम समाज से समाप्त करें। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।